तो हाँ उस्ताद, ये वीडियो है, आई मीन वैसे नॉर्मली मैं कोई टेक रिव्यू या इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, लेकिन आज मैं अवेयरनेस शेयर करने की कोशिश करूंगा अपनी तरफ से, ये जो मुझे मालूमात है या जो मुझे पता है थोड़ा बहुत वो मैं शेयर कर लूँ आप लोगों से। हालांकि मेरी ऑडियंस बहुत छोटी है एंड मुझे लगता है कि एवरी स्मॉल स्टेप्स मेक अ डिफरेंस। आप सबसे जो यानी लोगों को समझ नहीं आया शायद, या लोग इस चीज़ को अब तक संजीदगी से ले नहीं है, ये लोग समझ रहे हैं कि हम उठेंगे बैठेंगे दोस्तों यार, यानी मैं बहुत सारे लोगों के फेसबुक स्टेटस देखे वो कह रहे हैं कि यार कहीं टेप बॉल मैच हो तो बुला लो, हम आकर टेप बॉल मैच खेलेंगे। आई मीन दिस इज नॉट टाइम, पिकनिक टाइम नहीं है दोस्त, ये बहुत सीरियस मैटर है जिसको रिजॉल्व करना है और ये हम सब मिलके ही रिजॉल्व कर सकते हैं, ऐसे रिजॉल्व नहीं हो पाएगा। जिसको खुदा ना खासा कोरोना वायरस पॉजिटिव है या वो इस मसले को रिजॉल्व नहीं कर सकता, जिसको है या जिसको नहीं है। बेसिकली जो बंद करने का पर्पज है कि सब लोग बंद करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग करें। सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है, आप लोगों से नहीं मिलें, कोशिश करें ना मिलें। अगर आपकी जॉब इस तरह की है या आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो तो प्लीज डू इट नाउ, दिस इज द राइट टाइम। अगर नहीं करोगे तो देखा अपने लिए प्रॉब्लम कर सकते हो, दूसरों के लिए प्रॉब्लम कर सकते हो। सो इट्स बेटर, इस वक्त तनकीद का वक्त नहीं है कि लोगों को क्रिटिसाइज करें कि ये ऐसा है वो ऐसा है। इस वक्त हम सबको यूनाइट होने की जरूरत है, और यूनाइट हम इससे हो सकते हैं कि हम लोग सब मिलके जितना ज्यादा हो सके घर से बाहर ना निकले। उसका रीजन है, अगर घर से बाहर निकलेंगे तो इस चीज को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पर्पज है वो ये है कि हमें जो है फ्लैटन करना है ग्राफ को, यानी स्लो डाउन करना है प्रोसेस को, जो कोरोना वायरस के जिससे इन्फेक्शन हो सकता है या फैल सकता है। कम्युनिटी स्प्रेड हम कैसे स्लो डाउन कर सकते हैं, वो इसी तरह कर सकते हैं अगर हम घर के अंदर बैठे। तो घर के अंदर नहीं बैठेंगे तो हम मिलेंगे जुलेंगे, पार्टी चलेंगे, क्रिकेट मैच चलेगा इससे। यानी मैंने देखा बच्चे क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, माँ बाप समझा नहीं रहे कि कितना सीरियस मैटर है। पढ़े लिखे लोगों के बच्चे खेलते हुए देखे मैंने, कि आई एम नॉट जजिंग ऑल ऑफ देम, बट द पर्पस इज टू स्टे होम। घर के अंदर रहेंगे तो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती है, अगर प्रॉब्लम रिजॉल्व कर ली हमने तो उम्मीद है कि 15 दिन के अंदर मसला स्लो डाउन हो जाएगा, और स्लो डाउन होने के बावजूद जो ग्राफ है वो नीचे गिरेगा। जब ग्राफ नीचे गिरेगा, इन्फेक्शन कम फैलेंगे तो हॉस्पिटल जो है वो कंट्रोल कर सकेगा। क्योंकि होता ये है, एक नॉर्मल हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिसमें अल्लाह ना करे किसी को कैंसर है, किसी की हड्डी टूट गई है, मे मुँह में खाक, अल्लाह ऐसा वक्त किसी भी लेके ना आए, जो एक सूरत हालत करोना वायरस की, वो भी अगर इस तरह फैलेगा तो हॉस्पिटल बहुत लिमिटेड है, यहाँ बहुत मुश्किल हो जाएगा कंट्रोल करना, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा, अल्लाह ना करे ऐसा हो। अगर हम स्टेप डाउन कर लें, हम चीजों को जितना ज्यादा अवॉइड करें, लोगों से ना मिलें, कोई काम है स्काइप करें, इतनी टेक्नोलॉजी हो गई है, स्काइप पे आप काम कर सकते हो, फेस टाइम पे कर सकते हो, इवन व्हाट्सएप पे कर सकते हो, यू कैन डू लॉट ऑफ स्टफ व्हाइल एट होम। अगर आपने स्टेप ले लिया तो आई एम डैम श्योर ये मसला स्लो डाउन हो सकता है, वरना अनफॉर्चुनेटली जो इस मुल्क के हालात हैं पाकिस्तान के, और जो मेडिकल हेल्थ के सिस्टम है यहाँ का, उसके हिसाब से जो ये वायरस का जो फैलना है कंट्रोल करना नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। तो इट्स अ वेरी सीरियस मैटर, ये हाथ धोना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो कह रहे हैं ना लोग हाथ धोना, और प्लीज एक चीज मेक श्योर कीजिएगा कि खुद रिसर्च करें। आई मीन व्हाट्सएप मैसेजेस पे बिलीव ना कर लें कि जो दिख रहा है वो सही है या नहीं, खुद रिसर्च करें कि कोरोना कैसे फैल सकता है, किस तरह स्टॉप हो सकता है। अब तक कोई वैक्सीन इसकी नहीं है, तो यही इस प्रोसेस है इसका, कि इस प्रोसेस को स्लो डाउन किया जाए, और स्लो डाउन ऐसा होता है अगर आप घर के अंदर बैठे तो। हाथ बकायदगी से धोएं, 20 सेकंड धोएं, रीजनिंग है। जब से मैं ये कोरोना वायरस वाला सीन हुआ, आई एम एट होम सिंस अबाउट 4 डेज नाउ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि घर से बाहर ना निकलूं, किसी से इंटरेक्ट ना करूं, अननेसेसरी किसी से बात ना करूं, जो बात करनी ईमेल है, फोन है, आई मीन व्हाट्सएप है, स्काइप, लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी ओवर देयर, दिस इज द बेस्ट टाइम। मेरा बिजनेस है वो मुझे इजाज़त देता है कि मैं वर्क फ्रॉम होम ही करता हूँ, मेरा कोई ऑफिस नहीं है, तो मैं आई वर्क फ्रॉम होम। तो इस वजह से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपकी जॉब आपको इजाज़त देती है, अब तो ओवरऑल बोला गया है कि आप घर पे बैठे। लॉकडाउन करने से बहुत सारे लोगों के सवाल ये हैं कि यार जो डेली वेजेस पे काम करते हैं उनका क्या होगा। बहुत सारे लोग हेल्प कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हेल्पिंग हैंड बन गए हैं, राशन प्रोवाइड कर रहे हैं खुद वॉलंटियरली, किसी ने बोला नहीं है उनको। तो आप भी ये काम कर सकते हैं, अगर आपकी जेब आपको इजाज़त देती है तो आप भी वॉलंटियर होके प्लीज सबका ख्याल करें, दिस इज द राइट टाइम टू डू इट। होता आपके मसले रिजॉल्व हो जाए, सबके ख्याल से ये मसला जितना जल्दी हो सके कंट्रोल में आ जाए, और जो लोग मुस्तहक हैं उनको राशन पहुंचे। अगर आपको ये स्टेप लें तो आप प्लीज लीजिए और उसका पार्ट बने, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज घर पे रहिए, गूगल करो, जितनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो ले लो, आप फॉरवर्ड व्हाट्सएप पे मत बिलीव करो, क्योंकि हर चीज जो है ना वो दिखती है वैसी एक्चुअली होती नहीं है। तो आप प्लीज खुद रिसर्च करें, जो समझ ना आए जितना ज्यादा हो सके कंसर्न लोगों से पूछें, WHO की वेबसाइट पर जाएं, वहां पे आके इन्फॉर्मेशन लें, जितना हो सके रेलिवेंट लोगों से पूछें, उनसे उनके ट्वीट्स देखें अगर वो ट्विटर पे हैं, या जो भी कंसर्न है उनकी वीडियोस देखें, जो गवर्नमेंट बेस्ड काम है उसको फॉलो करें, किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को समझते हुए वो ना करें। अवेयर जितना होंगे उतना आसान होगा इस चीज को कंट्रोल करना। प्लीज वॉश योर हैंड रेगुलरली, सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब है लोगों से दूर रहें, फॉर टाइम बीइंग समझे सबसे रिश्तेदारी खत्म कर लें, आई एम रियली सीरियस अबाउट इट, क्योंकि अगर आप इसको सीरियस नहीं लेंगे तो ये मसला कंट्रोल में नहीं आ सकता। तो ये थी वीडियो अबाउट कोरोना वायरस अवेयरनेस, अगर वीडियो पसंद आई बेहतरीन, नहीं पसंद आई तो ये मसला नहीं है, कम्युनिटी स्प्रेड को रोकें और जितना ज़्यादा वर्ड्स फैला सकें फैलाएं, कोरोना ना फैलाएं। प्लीज़, अल्लाह हाफ़िज़।